आज का जो पाठ है उसको प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ प्रश्न उत्तर करूंगी। तो बच्चों तैयार हो आप? अच्छा ये बताओ कि भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? आप लोगों ने तीन ही बताया ना? हाँ आप लोग बिल्कुल सही हैं। सर्दी, गर्मी और बरसात। अच्छा ये बताओ आपको कौन सा मौसम पसंद है? गर्मी? नहीं नहीं सर्दी? नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, मुझे तो ठंड का मौसम बहुत ज्यादा पसंद है। ओके तो आपको पता है मेरा उदयपुर शहर बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है जब बारिश हो रही होती है। कभी चाहो तो घूमने आ सकते हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज ये मौसम की बातें क्यों कर रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि आज जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं वह भी मौसम के ऊपर ही आधारित है। तो नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप लोग? और पढ़ाई तो अच्छी ही चल रही होगी। तो आज हम आपके 10वीं के कोर्स भी हिंदी में दी हुई पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पद्य भाग के पाठ 5 जिसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, उनके द्वारा लिखी गई है और हम उस पर चर्चा करेंगे। अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इस कविता को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। हमेशा की तरह पहला भाग आपको कविता के सारांश और भाव को बताता है, दूसरा भाग कविता का विस्तार से बताता है, तीसरा भाग इस कविता का निष्कर्ष है, चौथा और अंतिम भाग आपको कवि के बारे में बताता है। तो अब हम कविता के पहले भाग अर्थात भाव और सारांश को समझते हैं। तो बताओ अच्छा ऐसा कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हों। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही आपको यह अनुभूति दे जाए जिसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों से निहारने की, निरखने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों, हम कहीं ऐसे रमणीय स्थल पर आ पहुंचे हों जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। महाप्राण निराला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं में सवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। तो आइए देखते हैं पंत जी यह कविता हमें कितना सुकून देती है। पंत जी कहते हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अर्थात मैं आपके सामने एक वातावरण प्रस्तुत करती हूँ जिसकी आप एक कल्पना कीजिएगा, अपने मन में सोचिएगा कि आप पर्वत प्रदेश में हैं, आप पहाड़ों पर घूमने गए हैं, क्योंकि पहाड़ों पर क्या होता है जैसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पर बारिश हो जाती है, तो कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंडी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है। तो क्या होता है कि पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, तो यहाँ पर पर्वत प्रदेश के ऊपर जब बारिश का मौसम होता है तो कैसा होता है और क्या क्या हो रहा होता है उसके बारे में पंत जी कहते हैं। कह रहे हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पर्वत प्रदेश के ऊपर बारिश का मौसम हो रहा है और प्रकृति जो है वह क्षण क्षण में परिवर्तित हो रही है, अपने वातावरण को बदल रही है। पंत जी आगे कहते हैं, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्रदृ के सुमन पाठ। अर्थात मेखलाकार, मेखलाकार जिसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि एक तरह का गहना होता है करधनी, ठीक है, करधनी जानते हो ना आप, एक तरह का गहना होता है जो कि महिलाएं ज्यादातर अपने कमर में पहनती हैं, जिसका आकार है वह ऐसे उल्टा यू होता है, ऐसे बहुत सारे है ना जो लटकन होती है उसमें और ऐसे। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि जब हम पहाड़ों को देखते हैं, जब हमने बहुत सारी जैसे अरावली रेंज है, हिमालय पर्वत है, अगर हम इनको देखते हैं तो हम देखते हैं कि पहाड़, जब भी कोई बच्चा ड्राइंग भी करता है तो वो उसमें पहाड़ों को ऐसे ही बनाता है, ठीक है। तो यहाँ उसी की बात हो रही है, मेखलाकार पर्वत अपार, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, अपने सहस्रदृ के सुमन पाठ। अब समझना उन पहाड़ों के ऊपर है वह, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं पहाड़ों पर, हम कभी घूमने जाते देखा होगा बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं और उनके ऊपर जो है वह फूल लगे होते हैं, वह कैसे प्रतीत हो रहे हैं, अपने सहस्र मतलब हजारों दृघ सुमन फाट अपने हैं वह
फूल रूपी आंखों को फाड़ कर है वह अवलोक रहा है बार बार, अर्थात वह देख रहा है नीचे जल में निज महाकाय। तो इमेजिन कीजिए बच्चों, कल्पना कीजिए कि पहाड़ है आपके सामने और पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ा है वह जल का ताल है, अर्थात तालाब है। तो वो क्या हो रहा है कि पर्वत जो है अपनी ऊंचाई को, है ना, अपनी ऊंचाई को उसकी परछाई जब उस पानी में गिरती है तो वो उसको देख रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई इंसान है वहाँ अपने फूल रूपी आंखों को खोलकर अपने ही विशाल आकार को है वह नीचे जो तालाब है उसमें देख रहा हो। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस पद्य में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार जब प्रकृति की तुलना मनुष्य से होती है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी उसी की बात हो रही है। आप लोग कल्पना कीजिए एक इंसान की और पहाड़ों की। पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ है, पेड़ों के ऊपर जो फूल है वह तो पहाड़ की आंखें हैं, और जो पहाड़ है उसकी जो परछाई पानी में गिर रहे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह अपनी विशाल आकार को, पहाड़ है पर्वत जो है अपने विशाल आकार को उस नीचे जो झरना है जो पानी है उसके अंदर देख रहे हैं। तो मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकाय। आगे बढ़ते हैं हम कविता में। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पर है कि पहाड़ है ऊपर और नीचे है वह नदियां है, तो यहाँ तालाब और ताल की बात हो रही है। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि पहाड़ों पर प्रदूषण बहुत कम होता है तो वहाँ का पानी बहुत ही साफ और स्वच्छ होता है, तो ऐसा लग रहा है कि वह बिल्कुल दर्पण सा है, कांच के समान है वह जो तालाब है वह, इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना है वह साफ है, इतना है वह जिसमें हम आराम से अपनी परछाई को देख सकते हैं। तो जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती के लड़ियों से सुंदर जड़ते हैं झांक भरे निर्झर। अर्थात आप लोग कल्पना कीजिए, मैं यहाँ आपको झरने के बारे में बता रही हूँ कि जो पहाड़ पर झरने होते हैं जब वो बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो नीचे गिरने पर है वह उसमें से जो झाग उठते हैं वह किसके समान प्रतीत हो रहे हैं, वह मोतियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है, और जब वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो उनके गिरने की जो आवाज आती है, जो पानी की जो आवाज आती है, ऐसा लग रहा है उन झरनों की आवाज से कि वह गिरी का गौरव गा रहे हों, गिरी अर्थात पर्वतों के गौरव गाथाओं को वह गा रहे हों। मद में नस नस उत्तेजित कर, और है वह उनकी जो आवाज है वह हमें बहुत ज्यादा है वह उत्तेजित करती है, हमें एक्साइटेड करती है कि हम वहां जाएं और उनको देखें। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झांक भरे नीचे। मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब ऊंचाई से है वह, पहाड़ों से है वह, जब झरने नीचे गिरते हैं तो उनमें जो झाग उत्पन्न होते हैं, तो एक साथ जब झाग होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मोती वहाँ पर बिखर गए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, अर्थात यहाँ पर कल्पना कीजिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ लगे हैं वह बहुत ही ऊंचे होते हैं, तो इतने ऊंचे उठते हैं, इतने ऊंचे उठते ही जा रहे हैं, इतने लंबे होते ही जा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह जो तरोवर है, वह जो पेड़ है, वह आसमान को छूने का प्रयास कर रहे हो, और उनकी आकांक्षाएं कैसी हैं, बहुत ऊंची है। कितनी ऊंची, वो आसमान को छूना चाह रहे हो, इतने तो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे होते जाते हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेश अटल कुछ चिंता पर, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह बार बार है वह, उसे है वह बिना पलक झपकाए है वह लगातार एक टक है वह आसमान को देखे जा रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि वह अनिमेश लगातार उसको देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वह उसको छूने का प्रयास कर रहे हो लेकिन छू नहीं पा रहे हो। आगे पंत जी कहते हैं, उड़ गया अचानक लो गूदर फड़का अपार पारद के पर। अब एकदम से है वह पहाड़ों का मौसम बदल गया है। मैंने पहले भी बताया है कि पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पहाड़ों का वेश कैसा है, परिवेश कैसा है, वातावरण कैसा है, जो कि क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है। अभी तक तो सब बहुत सही था, अभी तक सारी चीजें हमें दिखाई दे रही थी, हम वहाँ पहाड़ों की चीजों की बातें कर रहे थे, हम झरनों की बात कर रहे थे, हम पर्वतों की बात कर रहे थे, हम तालाब की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, उड़ गया अचानक लो भूदर, ठीक है, यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है थोड़ा सा, उड़ गया अचानक लो भूदर फड़का अपार पारद के पर। समझना इस बात को, अचानक है वह, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें, ठीक है, कल्पना करना है आपको ऐसा कि उड़ गया अचानक लो भूदर, ऐसा लगा है कि भूदर अर्थात जो पहाड़ है वह अचानक से
गायब हो गए हैं, उड़ गए हैं। पड़का अपार पारद के पर और क्या हो रहा है कि नव शेष रह गए हैं, निर्जर है टूट पड़ा भू पर अंबर। अचानक से है वह पर्वतों के ऊपर इतनी तेज बारिश होने लगी, इतनी तेज बरसात होने लगी कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ झरनों की आवाज रह गई है और सारे पर्वत और पहाड़ है वह वहां से उड़ गए हो। क्यों उड़ गए? क्योंकि बादलों ने आकर उनको घेर लिया है। तो जैसे ही बादल आए, पहाड़ों के आगे बादल आ गए हैं, पहाड़ों के ऊपर से बादल नीचे उतर रहे हैं और उन्होंने पहाड़ों को ढक लिया, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि है वह बादलों ने है पहाड़ों को वहां से गायब ही कर दिया है। आगे देखते हैं। धस गया धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदियान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। समझना इस इसको। धस गए धरा में सभय शाल। अब क्या हो रहा है, अचानक से इतनी तेज बारिश हो रही है। कभी गए हो पहाड़ों पर? मैं गई थी तो मुझे तो बहुत बड़े बड़े छींटे लग रहे थे बारिश के, ऐसा लग रहा था क्योंकि पत्थर बह रहा हो। तो यहाँ पर भी आप भी ऐसी चीज समझ सकते हो, थोड़ा सा कल्पना करें। धस गया धरा में सभय शाल। अब जितने भी वो बड़े बड़े जो पेड़ थे, जो वृक्ष थे, वह धस गए हैं। कहाँ धस गए हैं? धरती के अंदर। क्यों? डर के मारे। उनको डर है कि कहीं है वह आसमान से जो टूट पड़ा है भू पर अम्बर, जो तेज बारिश आ रही है, कहीं उनको वह नीचे ना गिरा दे। उठ रहा धुआं जल गया ताल। और क्या हुआ? तालाब के अंदर भी क्या है, बारिश की जैसे ही बूंदे गिरने लग गई, एकदम से है वह ऐसा लग रहा है कि तालाब है वह जलने लग गया और उसमें से धुआं उठने लग गया है, क्योंकि बादल इतने नीचे आ चुके हैं। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहाँ इंद्र की बात हो रही है क्योंकि बारिश के देवता तो इंद्र ही है, तो यहाँ उन्हीं की बात हो रही है कि वह जलद यान में अर्थात बादल रूपी यान में, विमान में बैठ कर रहे वह इधर उधर विचरण कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कभी बारिश कर देते हैं, कभी मौसम बदल देते हैं, और जो मौसम परिवर्तित हो रहा है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो इंद्र देवता है वह कोई इंद्रजाल खेल रहे हैं, मतलब कोई खेल खेल रहे लोगों के साथ। ठीक है, तो आइए अब हम तीसरा भाग जो कि कविता का निष्कर्ष है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों, जब भी पहाड़ पर जाओ मुझे जरूर याद करना, वहाँ का शब्द चित्र बनाकर आप और अच्छे से भी समझ सकते हैं। तो आज आपने पहाड़ों की यात्रा की और वहाँ के सुहावने मौसम में होने वाले परिवर्तन को देखा। इसलिए बच्चों, हमें जीवन में प्रत्येक पल का आनंद लेना चाहिए, चाहे वह वर्षा का मौसम हो या हमारे जीवन में आने वाली खुशियों या संघर्षों का। इतना सब पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत तो हमें बनता है कि हम कवि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में भी जान लें। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ था। 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रहों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चितंबरा उनका प्रकाशित हुआ। चितंबरा उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिस पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। हिंदी साहित्य की सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि भी उनको दिए गए थे। तो बच्चों, कैसी लगी पंत जी की ये रचना और आप इससे क्या सीखे? अपने विचार आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं एक और नए पाठ के साथ।